हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप मेरे साथ सीख रहे हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट के आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरपोलेशन मेथड्स के बारे में, की फ्रेम इंटरपोलेशन मेथड के बारे में। देखिए कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से हम इनको यूज में ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पर एक न्यू कंपोजिशन के अंदर मैं बना रहा हूँ एक शेप। देखिए ये शेप मैंने इस तरह से बनाया और इसका जो एंकर पॉइंट है बीच में ले आता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक शेप बनाया है। और जैसे कि आपको बताया है, हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे तो प्रॉपर्टीज है इसकी, जैसे कि यहाँ पर पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये प्रॉपर्टीज है। तो मैं यहाँ पर पोजीशन के अंदर कुछ की फ्रेम बना लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी दूर यहाँ पर आने के बाद में इसको यहाँ से यहाँ तक मैं एनिमेट कर देता हूँ। और बीच में मैं क्या करता हूँ, अगर एक और की फ्रेम बनाऊंगा तो इसको यहाँ पर थोड़ा ऊपर की साइड में ले लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे इस की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर की फ्रेम इंटरपोलेशन नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। या फिर आप क्या करें, एनिमेशन मेन्यू के अंदर जाएंगे तो की फ्रेम इंटरपोलेशन ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेगा। या फिर कंट्रोल अल्ट के साथ में के दबाएंगे तो की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद में, जैसे इस की फ्रेम को सिलेक्ट किया कंट्रोल अल्ट के साथ में के दबाएंगे तो यहाँ पर की फ्रेम इंटरपोलेशन के लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अंदर दो तरह के इंटरपोलेशन मेथड है, एक है टेम्पोरल और एक है स्पेशल इंटरपोलेशन। दो तरह के, टेम्पोरल और स्पेशल इंटरपोलेशन, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। दोनों यहाँ पर अलग अलग जगह पर हम यूज में लेंगे। जैसे टेम्पोरल का मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए, नीचे दे भी रखा है कि अफेक्ट्स द हाउ ए प्रॉपर्टी चेंजेस ओवर टाइम। तो आप प्रॉपर्टी जब एक टाइम के ऊपर चेंज होगी वहां पर ये इफेक्ट डालेगा, यानी कि टाइम के ऊपर डालेगा। तो टेम्पोरल यानी टी टेम्पोरल और टी टाइम, तो आप टी टेम्पोरल का मतलब एक तरह से यहाँ पर टाइम से रिलेटेड है ये, इसलिए। और ये टाइम लाइन के ऊपर ही यूज लेंगे आप, टाइम लाइन के ऊपर। तो ये आ गया टेम्पोरल। और जो स्पेशल है ये यहाँ पर अफेक्ट द शेप ऑफ द पाथ, जो यहाँ पर आपको पाथ नजर आ रहा है इसके ऊपर ये अफेक्ट डालेगा, और जिसे आप कंपोजिशन और लेयर पैनल के ऊपर यूज में लेंगे। तो ये हो जाएगा स्पेशल। ये स्पेशल का मतलब स्पेस से रिलेटेड यहाँ पर जो कंपोजिशन है उसके अंदर, और ये सभी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क नहीं करेगा। जैसे कि पोजीशन है जिसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसी इस तरह से पोजीशन चेंज होगी तो वहां पर ये स्पेशल इंटरपोलेशन काम आएगा। इसके बारे में, रोविंग के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये दो तरह के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल के बारे में, जो यहाँ पर है। और इसके अंदर कई सारी तरह के दे रखे हैं, इनके अंदर भी जो कई सारे हैं उनमें आप ज्यादा ध्यान नहीं दें, सिर्फ दो देखें कि लीनियर और बेजियर। बेजियर के अंदर कंटिन्यूस बेजियर, ऑटो बेजियर वो है, लेकिन उनसे ज्यादा आप जब याद रखना है समझने के लिए लीनियर और बेजियर इस तरह से आप याद रखें। तो लीनियर क्या होता है, बेजियर क्या होता है, स्पेशल इंटरपोलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। टेम्पोरल के बारे में इसके बाद में बात करेंगे। तो देखिए स्पेशल इंटरपोलेशन के अंदर एक ऑप्शन है यहाँ पर लीनियर, और यहाँ पर वो भी सिलेक्ट है लीनियर, दोनों यहाँ पर लीनियर सिलेक्ट है। एडिट के अंदर, प्रीफ्रेंस के अंदर, जनरल के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन टू लीनियर, बाय डिफॉल्ट स्पेशल इंटरपोलेशन है जो लीनियर, इसको मैंने यहाँ पर ऑन किया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको ऑफ मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर ऑन किया है, इसलिए यहाँ पर ये जैसे मैंने इसको ऊपर लिया यहाँ पर ये लीनियर आ रहा है। डिफरेंस क्या है देखिए लीनियर और बेजियर के अंदर। तो यहाँ पर इसी की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और की फ्रेम इंटरपोलेशन के अंदर जाएंगे और स्पेशल इंटरपोलेशन के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ बेजियर, ओके करेंगे। जैसे मैंने ओके किया यहाँ पर बेजियर कर्व आ गया। ये फर्क है लीनियर और बेजियर में। लीनियर के अंदर डायरेक्ट वहां पर कर्व नहीं आएगा और यहाँ पर बेजियर के अंदर आपको एक कर्व नजर आएगा और उस कर्व के यहाँ पर आपको हैंडल भी नजर आएंगे, जिसे क्या कर सकते हैं की फ्रेम को सिलेक्ट करके उन हैंडल से आप इस तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से आप इस तरह से लीनियर को बेजियर में और बेजियर को लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर वापस यहाँ पर जाएंगे तो लीनियर और बेजियर सिलेक्ट है, स्पेशल इंटरपोलेशन के अंदर यहाँ पर हमने बेजियर सिलेक्ट किया इसलिए बेजियर सिलेक्ट है। आप लीनियर करेंगे तो देखिए यहाँ पर लीनियर हो जाएगा। एक से ज्यादा जगह पर आप जैसे पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और पेन टूल से लेंगे तो ये यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर जो की फ्रेम बना है वो की फ्रेम यहाँ पर लीनियर है। लेकिन आप पेन टूल से बनाने के बाद में अगर इधर उधर इसको मॉडिफाई कर देंगे तो लीनियर बेजियर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये समझ लीजिए जो की फ्रेम यहाँ पर इस तरह से आप कर्व के रूप में है, आपने कर्व के रूप में कन्वर्ट कर दिया है चाहे पेन टूल से ही कर दिया हो,
तो आपको वो बाद में यहाँ पर लीनियर नहीं बेजियर नजर आएगा। तो ये यहाँ पर बेजियर है, तो ये यहाँ पर इस तरह से बेजियर आ गया है। और आप एक साथ कई की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद में की फ्रेम इंटरपोलेशन से आप यहाँ पर बेजियर सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी बेजियर हो जाएंगे और सभी को आप यहाँ पर लीनियर करेंगे तो लीनियर भी यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगे। जो लीनियर है वो देखिए इस तरह से यहाँ पर कर्व नजर नहीं आएगा लीनियर के अंदर। और अगर आप इन सबको बेजियर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, की फ्रेम इंटरपोलेशन और बेजियर, और ये यहाँ पर बेजियर के अंदर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है एक और है ऑटो बेजियर, ये देखिए ऑटो बेजियर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्मूथ कर देगा, अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली उस कर्व को स्मूथ कर देगा। आप अगर उसको बाद में अपनी तरफ से मॉडिफाई करेंगे तो वो फिर ऑटो बेजियर नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा वहां से। तो देखिए अभी जैसे हमने ऑटो बेजियर किया तो ये जो यहाँ पर हैंडल थे इसके, ये पॉइंट और ये पॉइंट बीच में हमें इसके लाइन नजर नहीं आ रही है, ये ऑटो बेजियर है इसलिए। और अगर आप बाद में इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में, या फिर अभी ये देखिए यहाँ पर ये है ऑटो बेजियर, और आप अगर आप बाद में यहाँ से अपनी मर्जी से इस हैंडल को पकड़ के इधर उधर ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए ऐसे आपने कर दिया, तो ये बेजियर तो है लेकिन ऑटो बेजियर ये नहीं रहेगा। ये देखिए इसी की फ्रेम की हम बात करते हैं, इस की फ्रेम की नहीं, हम इसके अंदर जो मॉडिफाई किया है अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टी देख ली थी, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस बेजियर हो जाएगा, तो ये बेजियर ऑटो बेजियर नहीं रहेगा, ये हो गया बाद में कंटिन्यूस बेजियर। तो ये हमने स्पेशल इंटरपोलेशन के बारे में बात की। स्पेशल इंटरपोलेशन आप यहाँ पर जो ये की फ्रेम है इनके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आया है, यहाँ पर जो मोशन पाथ है उसके अंदर आप इसके जो चेंजेस हैं वो देख रहे हैं, कौन सा की फ्रेम यहाँ पर ये बेजियर है, ऑटो बेजियर है, कंटिन्यूस बेजियर है, और यहाँ पर ये लीनियर है, ये हमने देखा। ये हो गया स्पेशल, ये सभी प्रॉपर्टी के अंदर ये नहीं होता है। जैसे कि पोजीशन को मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ और मैं सिर्फ रोटेशन को यहाँ पर एक की फ्रेम बनाता हूँ, रोटेशन के अंदर एक यहाँ पर बना लिया इस तरह से। तो ये मैंने तीन की फ्रेम बनाई, राइट क्लिक करेंगे इस की फ्रेम के ऊपर, की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ पर आपको स्पेशल इंटरपोलेशन नजर नहीं आएगा क्योंकि ये रोटेशन के अंदर एक जगह पे ही रोटेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो वो यहाँ पर स्पेस के अंदर इसकी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर वो की फ्रेम बनाए और हैंडल बनाए। आप यहाँ पर किस तरह से हैंडल बनाकर उसे चेंज करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इसलिए जैसे ओपासिटी हो गया, तो ओपासिटी के अंदर भी यहाँ पर आपको स्पेशल इंटरपोलेशन के अंदर ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, फिर ये नीचे वाला ऑप्शन नजर आएगा, सिर्फ टेम्पोरल इंटरपोलेशन मिलेगा। टेम्पोरल आपको सभी के अंदर मिलेगा लेकिन स्पेशल आपको मोस्टली पोजिशन या फिर एंकर पॉइंट जिनके अंदर पोजिशन चेंज होती है, अलग अलग की फ्रेम, ये इसकी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, मूव करते हैं हम, उसके अंदर ही आपको मिलेगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं फिर टेम्पोरल क्या होता है। टेम्पोरल टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्पेशल जो है वो यहाँ पर स्पेस के अंदर कंपोजिशन के अंदर आप उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये टेम्पोरल और स्पेशल इंटरपोलेशन के अंदर डिफरेंस हो गया। टेम्पोरल किस तरह से यूज में ले सकते हैं, देखिए टाइम टाइम के हिसाब से पोजीशन के अंदर, मैं इसी के अंदर एक बार आ जाता हूँ, ये यहाँ पर इसको रखते हैं, ये की फ्रेम बनाया और इस की फ्रेम को बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने एक और की फ्रेम बना दिया। अब क्या करेंगे हम, अब कितने टाइम के अंदर ये जो है यहाँ पर सेव जो है वो इस की फ्रेम तक आता है और उसके बाद में यहाँ चला जाता है। इंटरपोलेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि दो नाउन की फ्रेम की जो वैल्यू है, नाउन वैल्यू के बीच में अननाउन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये इंटरपोलेशन हो गया। तो यहाँ पर हमें इस की फ्रेम के टाइम का हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड के अंदर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी स्पीड को मान लीजिए आप कंट्रोल करते हैं, तो आप जाएंगे ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पर आप सिलेक्ट करें एडिट स्पीड ग्राफ। अब इसके अंदर जो की फ्रेम है, यहाँ से भी आप इस की फ्रेम को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपके पास ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ से आप टेम्पोरल के अंदर लीनियर है उसको बेजियर सेलेक्ट करें, ओके करें। जैसे आप बेजियर करेंगे ये यहाँ पर बेजियर हो जाएगा, अभी एकदम सीधी लाइन है ये,
इसका कारण ये है कि ये जो की फ्रेम है इसको इस साइड में ले लेते हैं और वापस मैं इसको लीनियर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके करेंगे, तो ये हमने लीनियर सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक। तो देखिए किस तरह से आता है, ये आ गया फिर ये आ गया, लेकिन यहाँ पर ये जो की फ्रेम है ये लीनियर है। इसको राइट क्लिक करके और हम क्या करेंगे, की फ्रेम इंटरपोलेशन लीनियर के बजाय हम बेजियर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्मूथ यहाँ पर करो आ गया है, ये बेजियर के अंदर हमने जैसे ही कन्वर्ट किया ये स्मूथ आ गया है। और ये जो स्पीड ग्राफ है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अलग से एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लीनियर था अभी बेजियर के अंदर कन्वर्ट हो गया और इसके अंदर मान लीजिए मैं इस साइड में इस कर्व को लेके आता हूँ या इस साइड में इसको लेके आता हूँ, तो ये जो है स्पीड यहाँ पर ज्यादा दर्शा रहा है, बढ़ा हुआ ग्राफ यहाँ पर ज्यादा स्पीड दिखा रहा है और यहाँ पर इस साइड में जा रहा है, इसको भी मैं इस साइड में नजदीक में ले आता हूँ। तो देखिए ये नजदीक में आ गया धीरे से, फिर इस तरह से ये ईज इन और ईज आउट से भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करो मैं यहाँ पर इजी ईज इसको करेंगे तो भी ये इस तरह से, ये देखिए स्पीड कंट्रोल हो रही है यहाँ पर धीरे से आने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके और फिर वापस यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ इस की फ्रेम को यहाँ से आप जब मॉडिफाई करेंगे, जैसे अभी बेजियर है तो ये जो यहाँ पर की फ्रेम का आपको आइकन नजर आ रहा है चेंज हुआ हुआ, पहले यहाँ पर इस तरह का था अभी यहाँ पर इस तरह का है, ये है यहाँ पर बेजियर का। राइट क्लिक का आप करेंगे की फ्रेम इंटरपोलेशन के अंदर, आप अगर बेजियर को लीनियर में करेंगे ओके करेंगे तो ये आइकन भी चेंज हो गया और इस प्रॉपर्टी के अंदर आप जाएंगे तो वापस यहाँ पर लीनियर आ गए। तो यहाँ पर ये आप इस तरह से चेंजेस देख सकते हैं, इसके अंदर लीनियर बेजियर कंटिन्यूस बेजियर ऑटो बेजियर और ये वही है जो हमने अभी स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर देखे थे। ऑटो बेजियर से ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देगा, मान लीजिए एक ही फ्रेम यहाँ पर और बनाया और इनको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, देखिए यहीं पे मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके की फ्रेम इंटरपोलेशन और लीनियर के बजाय मैं कर देता हूँ यहाँ पर ऑटो बेजियर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्मूथ कर्व बन रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई कर्व नहीं बना, कर्व कहाँ पर बन रहा है, कर्व यहाँ पर बन रहा है ग्राफ एडिट के अंदर, स्पीड जो ग्राफ है इसके अंदर। तो अब आप जैसे इसको प्ले करेंगे ये जो चल रहा है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, ना कि यहाँ पर इस पाथ के ऊपर। पाथ के अंदर ये लीनियर है और लीनियर ही है, इसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। अगर आप इस पाथ वाले के अंदर भी करना चाहते हैं तो इसको आप लीनियर के बजाय बेजियर करेंगे तब ये यहाँ पर बेजियर होगा, अदरवाइज ये टाइम से रिलेटेड है जो यहाँ पर इफेक्ट डाला है टेम्पोरल। एक इसके अंदर और ऑप्शन है वो है, और ये देखिए ऑटो बेजियर का ऑप्शन जो आइकन होगा वो कुछ इस तरह से सर्किल के अंदर होगा, ये यहाँ पर ऑटो बेजियर का है। तो आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटो बेजियर के अंदर। ये की फ्रेम है, पहले मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पर लीनियर के अंदर। अब मान लीजिए आपको इनको कन्वर्ट करना है ऑटो बेजियर के अंदर, तो कंट्रोल के साथ में इसके ऊपर क्लिक करें, ये ऑटो बेजियर, ये भी ऑटो बेजियर, और एक साथ अगर ज्यादा कुछ इस तरह सेलेक्ट करें कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे सब ऑटो बेजियर होंगे। तो ये इस तरह का आइकन जो है ऑटो बेजियर का है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है रोविंग का, रो एक्रॉस टाइम। ये क्या है देखिए, अगर मैं यहां पर मान लीजिए एक इसके अंदर होल्ड का भी ऑप्शन है, तो यहां पर मान लीजिए एक की फ्रेम बना लेता हूं, यहां पर मैंने ये की फ्रेम बनाया और यहां पर इसी की फ्रेम को मैं स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर बेजियर में कन्वर्ट कर देता हूं, यहां पर बेजियर कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से ये यहाँ पर चल के आ रहा है। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम इंटरपोलेशन के अंदर और यहाँ पर रो एक्रॉस टाइम, अगर इसको आप सिलेक्ट करेंगे ओके करेंगे फिर ओके करेंगे तो ये जो की फ्रेम है वो छोटा सा पॉइंट के रूप में आ जाएगा। और रो एक्रॉस का मतलब ये कि ये तो एक की फ्रेम है, दो मान लीजिए यहाँ पर एक और है, इसको आपने इस साइड में रखा, इसको आपने फिर इस साइड में रखा। अब मान लीजिए आप इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंटरपोलेशन रो एक्रॉस टाइम ओके कर देंगे तो क्या होगा, बाद में आप लास्ट वाले की फ्रेम को लेकर के नजदीक में आएंगे तो सभी की फ्रेम उसी रेशियो के अंदर टाइम ड्यूरेशन के अंदर नजदीक आते जाएंगे, यानी उतना फास्ट जब ये आएगा ये देखिए
और अब अगर इसको बढ़ाएंगे बाद में भी, ये देखिए तो भी है यहाँ पर, जैसे हमने पाथ को कॉपी पेस्ट कर रहे थे, पाथ को कहीं से भी, पोजीशन का पाथ है इसको भी मान लीजिए आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जो पेन टूल से बनाया हुआ लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, उसके अंदर भी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रो एक्रॉस आ रहे थे, ऑटोमेटिकली आए थे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इनको रो एक्रॉस कर रहे थे, कर सकते हैं। जैसे होल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक और ऑप्शन है होल्ड का, देखिए होल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, ये की फ्रेम है हमारे पास में यहाँ पर, और इस की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर होल्ड करना है, राइट क्लिक करें और की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ पर टेम्पोरल के अंदर आपके पास में ऑप्शन है होल्ड का, टेम्पोरल के अंदर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जैसे इधर से चल के आएगा यहाँ पर होल्ड, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर यहीं से जा रहा है यहाँ पर, इस की फ्रेम की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट की फ्रेम तक होल्ड हो जाएगी, इस की फ्रेम की वैल्यू नेक्स्ट की फ्रेम तक जो है वो होल्ड हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर भी ये जो पाथ है आपको जो नजर आ रहा है, इसके अंदर भी आपको सीधी लाइन नजर आएगी, डॉट डॉट नजर नहीं आएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होल्ड है। अगर मैं पेन टूल से एक और की फ्रेम बनाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर आप बना सकते हैं। इस तरह का जो आइकन है वो होल्ड के लिए होता है। यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर आप आएंगे तो यहाँ से भी आप होल्ड कर सकते हैं और अनहोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे की फ्रेम इंटरपोलेशन और लीनियर, ओके कर देंगे, अब होल्ड नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ पर होल्ड करना चाहें, इस की फ्रेम के ऊपर वैल्यू को होल्ड करना चाहें, इसी वैल्यू को, तो यहाँ से की फ्रेम इंटरपोलेशन और लीनियर की बजाय होल्ड कर दें, ओके करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होल्ड रहेगी। इसी तरह से होल्ड का आपको ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेगा, टॉगल होल्ड की फ्रेम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर ये वैल्यू होल्ड रहेगी, इस की फ्रेम की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट की फ्रेम तक होल्ड रहेगी। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से आपको कन्वर्ट करने के लिए, आप क्या करें किसी की फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ से बेजियर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऑटो बेजियर का ऑप्शन है, यहाँ पर वापस लीनियर के अंदर कर सकते हैं और यहाँ से आप होल्ड के अंदर कर सकते हैं, ये होल्ड के लिए ऑप्शन है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं एक बार फिर से आफ्टर इफेक्ट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।